जीसी क्लासेज में एनवायरमेंटल साइंस से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो देखिए, अभी तक हमने एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हमने कवर किए थे, जो भी अलग अलग यूनिट के हिसाब से जो मेंशन किए हुए थे। आज जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आगे किसी भी एनवायरमेंटल साइंस बेस्ड अगर कोई भी एग्ज़ाम या का होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, इंटरव्यू होता है, तो उसमें कुछ एक्ट वगैरह से रिलेटेड भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम जब एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एनवायरमेंटल साइंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो जब किसी के प्रोटेक्शन की बात आती है तो कुछ ना कुछ वहाँ पर कुछ लॉज होते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। तो इन सब लॉज रूल्स को ही हम एनवायरमेंटल साइंस के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसमें रखते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करना, पर्यावरण को संरक्षित करना, इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो अधिनियम है, ये पर्यावरण संरक्षण का जो अधिनियम है वो कब आया था, 1986 के अंतर्गत आया था। यानी कि 1986 वो सन था जिसके अंदर देखा गया कि पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ रूल्स या रेगुलेशंस होने चाहिए जिससे कि पर्यावरण को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो देखिए, अब जब बात करते हैं कि हमारे भारत के अंदर जो प्रोटेक्शन एक्ट था एनवायरनमेंट से रिलेटेड 1986 में आया था, तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमको एक्ट अधिनियम मिले वो सब हमको कहाँ से देन मिली है, भारतीय संविधान से हमको ये मिले हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर थोड़ा सा देखा जाए ब्रीफ में जाके कि 14, 19 कि जैसे कि भारतीय संविधान के अंदर जो अनुच्छेद दे रखा है 14, 19 और 21, इन तीन अनुच्छेद के अंतर्गत पर्यावरण के प्रोटेक्शन के लिए पर्यावरण प्रोटेक्शन से रिलेटेड बातें की गई है। तो भारतीय संविधान में ये कहता है कि आपका सेक्शन अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 ये सब भारतीय संविधान के वो अनुच्छेद है जहाँ पर पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई है कि पर्यावरण को क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। तो देखिए, तो अब क्या रहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जब 14, 19 और 21 के अंदर भी बात कही गई कि भारतीय संविधान के अंदर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन की बात की गई थी, इसी तरह से भारतीय संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जिनको हम बोलते हैं नीति निदेशक तत्व, ठीक है, भारतीय संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निदेशक तत्व हैं, उन नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आपको अगर पता हो अच्छे से, अगर आपको पता हो कि नीति निदेशक तत्वों में भी पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है, वन्य जीवों के संरक्षण की बात वहाँ भी की गई है, तो उसके अंतर्गत अगर देखा जाए 48 के, इसी तरह से 51 के, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 48 के और अनुच्छेद आपका 51 के, इन दोनों अनुच्छेद के अंतर्गत पर्यावरण को संरक्षण की बात की गई है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड बात की गई है। तो यहाँ पर तो बोला गया राज्य के पर्यावरण, कि राज्यों को पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए, राज्य पर्यावरण का संरक्षण करना जरूरी है, और साथ में क्या करे उसको संवर्धन भी करना, मतलब पर्यावरण को बढ़ाना भी है और उसको संरक्षित भी करना है, इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको पढ़ना क्या, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, लेकिन थोड़ी सी हमका इसकी हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए कि ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का अधिनियम की बात कहाँ से आई है। तो इसका जो रूट मैप है उसमें देखें अनुच्छेद 48 कह ये कहता है कि राज्यों को पर्यावरण का संरक्षण में संवर्धन करना चाहिए, क्योंकि नीति निदेशक तत्व होते ही हैं कि ये डायरेक्शन देते हैं किसी भी स्टेट या केंद्र सरकार को कि वो क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, देश के लिए उनको क्या करना चाहिए। तो उसी में 48 के में राज्य के पर्यावरण संरक्षण में संवर्धन की बात की गई है। इसी तरह से अनुच्छेद 51 यानी कि यहाँ पर बात की गई पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण की बात, पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण की बात। तो अब तक हमको यहाँ से समझ में आ गया कि अब इन नीति निदेशक तत्वों ने ही आगे का रास्ता क्लियर कर दिया, पर्यावरण से रिलेटेड जो अधिनियम लाने थे 1986 में उनका रास्ता कहाँ से मिल गया,
इन अनुच्छेद 48 क और जो आपका अनुच्छेद 51 क, इन दोनों अधिनियम, इन दोनों अनुच्छेदों के बेस पे ही अगर बात की जाए कि जैसे ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जैसा कोई ना कोई नियम होना चाहिए, कोई ना कोई अधिनियम होना चाहिए, तो इस तरह का जो 48 क और अनुच्छेद 51 क, तो ये दोनों अनुच्छेदों को कब मेंशन किया गया था भाई, संविधान का जो 42वां संशोधन था, ठीक है, ये बात हुई थी, देश आजाद हुआ उस वक्त बात नहीं हुई थी, ये कब हुई थी, इन सब चीजों की बातें हुई थी, संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन के अंतर्गत इस तरह की वहां पर पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई थी। तो बहुत बार बहुत से एग्जामों के अंदर ये अनुच्छेद दो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जी जनरल नॉलेज का पार्ट है, पॉलिटिकल का पार्ट है, लेकिन अपने यहाँ पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी पढ़ रहे हैं, तो इसके हिसाब से भी देखा जाए तो ये दोनों बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो अब हमको इतना तो पता चल गया कि जो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसको हम EPA 1986 भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर इसके आने का अगर देखें तो 19 नवंबर 1986 यानी 19 नवंबर 1986 को यह अधिनियम आ गया था, और इस अधिनियम को ऑल ओवर इंडिया में इस तारीख से लागू कर दिया गया था, ऑल ओवर इंडिया के अंदर 19 नवंबर 1986 ऑल ओवर इंडिया में इसको लागू कर दिया गया था। किस तरह का एक्ट था, एक तरह का अम्ब्रेला एक्ट था, कैसा एक्ट था, ये एक तरह का अम्ब्रेला एक्ट था, मतलब कि इसके इस अम्ब्रेला एक्ट इसलिए कहा गया है कि इस एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे दूसरे एक्ट भी इन्वॉल्व किए गए हैं, कई चीजें हैं जो इस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व होती है, कई तरह के अधिनियम यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं, तो अम्ब्रेला एक्ट बोल दिया इसको, ठीक है। इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से, इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से क्या है कि केंद्र व राज्यों को अगर बात करें, केंद्र व राज्यों के बीच में क्या होना चाहिए भाई, एक संरक्षण को पर्यावरण संरक्षण हेतु एक समन्वय होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि केंद्र को पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, राज्य को पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, दोनों को पर्यावरण संरक्षण में अपना अपना योगदान देना है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए, दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था, तो केंद्र व राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन आया इसकी वजह से, किसके रिगार्डिंग, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, यानी पर्यावरण के संरक्षण के रिगार्डिंग इस तरह का कोऑर्डिनेशन स्थापित हो, तो उसमें इस एक्ट की बहुत बड़ी अपने आप में भूमिका है, क्योंकि इस एक्ट के नहीं होने से पहले, इस एक्ट के नहीं होने से पहले पर्यावरण और के संरक्षण से रिलेटेड, वन्य जीवों के संरक्षण से रिलेटेड बहुत बार कॉन्ट्रावर्सी सामने आ चुकी थी कि केंद्र को क्या करना चाहिए, राज्यों को क्या करना चाहिए, तो उस कॉन्ट्रावर्सी को मिनिमाइज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया था, ठीक है। तो अब जो बात आई थी कि ये जो अपने 1986 के अंतर्गत देखा जाए, तो अगर देखें कि देश आज़ाद हुए तो काफ़ी साल हो गए, देश आज़ाद हुए तो काफ़ी साल हो गए, उसके बाद ये एक्ट 1986 में आया, तो एकदम से ये वन्य जीवों पर्यावरण के संरक्षण की एकदम से बात कहाँ से आने लगी जहन के अंदर। इसका बहुत एक कारण है सिंपल सा, कि अगर हम देखें कि हमने पहले की क्लासेज में एक दो में बात की है आपको स्टॉकहोम समिट, ठीक है, स्टॉकहोम समिट की अगर बात करें, ठीक है, ये वो सम्मेलन था 1972 के अंदर, 1972 के अंदर एक सम्मेलन हुआ था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है, अगर बात करें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट UNCHE, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो इस सम्मेलन के अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई थी वर्ल्ड लेवल पे, स्टॉकहोम के अंतर्गत सोचा गया, वहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत हुई, जो भी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया कि सभी देशों को मिलकर क्या करना चाहिए, वर्ल्ड में पर्यावरण को संरक्षण करना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान कम से कम करना चाहिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से फिर UNCHE से ही पर्यावरण को संरक्षण करने की बात उठने लग गई थी, इसीलिए इसके ही बिहाफ पर अगर देखा जाए, इसके ही बिहाफ पर यहाँ पर 1986 के अंतर्गत क्या आया था, ये आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ तक हमको पता चला कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के पीछे की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। अब इस एक्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो इस एक्ट के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें चार तो चैप्टर हैं,
ठीक है। और चार चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे सेक्शंस है, जिसमें आपका सर एक जो सेक्शन है आपको 26 सेक्शन, आपको ये 26 सेक्शन है वो 26 सेक्शन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, ये 26 सेक्शन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, जिनका हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। और हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 26 सेक्शन को हमको याद भी रखना है कि हमसे क्वेश्चन वगैरह पुटअप किए जा सकते हैं, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम सबसे बात करें, स्टार्ट पहले अगर बात करते हैं कि एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो ये चार चैप्टर्स दे रखे हैं, तो अगर हम सीधा सीधा बोल लें, पहला तो कि जैसे इनके अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, इस चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो पहली बात दे रखी है वो किसके रिगार्डिंग दे रखी है, डेफिनेशन। इसके अंदर बताया गया है कि आपके पर्यावरण की डेफिनेशन क्या होती है, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे पॉल्यूशंस हो रहा है पर्यावरण के अंदर, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, ऑक्यूपाई एरिया क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो डेफिनेशन के रूप में दे रखा है वो कहाँ पर दे रखा है, पर्यावरण संरक्षण के इस अधिनियम के चैप्टर फर्स्ट में दे रखा है डेफिनेशन। हमको यहाँ पर कोई भी डेफिनेशन को यहाँ पर ऐसे बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में क्या बात की गई है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं इसके चैप्टर सेकंड की जब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका चैप्टर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पर दे रखा है चैप्टर सेकंड की अगर बात करें हम, ठीक है, चैप्टर सेकंड की अगर बात करें तो चैप्टर सेकंड में क्या दे रखा है कि चैप्टर सेकंड बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामान्य अधिकार व शक्तियों के बारे में बताता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सामान्य अधिकार या शक्तियां क्या हो सकती है भाई, किसके रिगार्डिंग, पर्यावरण के रिगार्डिंग, कि पर्यावरण के रिगार्डिंग किस तरह से आप पर्यावरण को बचा सकते हो, किस तरह से आप पर्यावरण को बचा सकते हो, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सामान्य अधिकार और शक्तियां दी गई है, ठीक है, सामान्य अधिकार व शक्तियों की बात की गई है। और इस तरह के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सामान्य अधिकार व शक्तियां मिली है वो शक्तियां कहां से मिली है, इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के 1986 के अंतर्गत जो सेक्शन नंबर 3 दे रखा है, जो सेक्शन नंबर 3 दे रखा है उस सेक्शन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार को कुछ अधिकार हैं, कुछ शक्तियां हैं, किसके लिए, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को बनाने से लेके, ठीक है, और इन शक्तियों को, इन शक्तियों व नियमों को लागू करवाना, इन शक्तियों व नियमों को लागू कराने के लिए, इन शक्तियों व नियमों को लागू करवाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, किन की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति, एजेंसी की नियुक्ति जो भी है इसके अंतर्गत, तो अधिकारियों की नियुक्ति कैसे करोगे आप भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलनी चाहिए शक्तियां नियम, तो इस तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की बात भी किसके बिहाफ पे की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे की गई, यानी इस एक्ट के अंतर्गत ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 4th, सेक्शन 3rd तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए अधिकार व शक्तियाँ देता है, और सेक्शन 4 देता है कि अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, अगर आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो अधिकारियों की भी नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है, तो वो कहाँ से मिलती है आपकी, सेक्शन 4 के अंतर्गत मिलती है, सही बात है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि अधिकारियों की आपने नियुक्ति तो कर दी भाई, अधिकारियों की आपकी नियुक्ति तो कर दी, लेकिन उनको, इन अधिकारियों को भी तो काम करने के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, कुछ ना कुछ इनको भी क्या चाहिए, दिशा निर्देश चाहिए। तो क्या कहता है हमारा कि किसी भी अथॉरिटी, अथॉरिटी हो सकती है यहाँ पर कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है, तो ऐसा अथॉरिटी कोई पर्सन या ऑफिसर जो पर्यावरण को क्या करे, संरक्षण करे, पर्यावरण संरक्षण हेतु इसको भी क्या मिले, शक्ति व दिशा निर्देश, भाई इसको भी तो पता चले ना कि भाई पर्यावरण एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना है, तो क्या उसकी तो पावर होगी, क्या उसकी दिशा निर्देश, यानी उसको डायरेक्शन क्या है कि करना क्या है जाके, उसको काम तो इसी को करना है, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण को संरक्षित करना है तो काम तो इन्हीं को करना है, लेकिन नियुक्ति करवा दी सेक्शन 4 के अंदर, इनको पावर व दिशा निर्देश दे दिए सेक्शन 5, ये लो जी सही बात है, सेक्शन 5 के अंतर्गत ऐसा हुआ, ये लो जी। अब जब बात करते हैं हम कि अब जब हमने कह दिया कि भाई इनको हमने नियुक्ति करवा दी, इनका, इनको हमने पावर दे दी, इनको हमने क्या कर दिया, दिशा निर्देश दे दिए,
तो अब कुछ ना कुछ रूल्स की भी बात करनी चाहिए। रूल्स रियल में कोई भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के 1986 के अंतर्गत जब कोई रूल्स की बात आएगी तो इन रूल का रूल वगैरह भी तो रेगुलेट करना है। एनवायरनमेंट पोल्यूशन को बचाना, एनवायरनमेंट के लिए सबसे नुकसानदायक क्या होता है? पोल्यूशन, कि जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है वही एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगला स्टेप यही रहता है, रूल्स टू रेगुलेट, रूल्स टू रेगुलेट किसके लिए? एनवायरनमेंट पोल्यूशन। येलो जी, रूल्स टू रेगुलेट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स होते हैं आपके, ठीक है, वो रूल्स किस में पब्लिश्ड होते हैं? गजट के अंदर। कौन पब्लिश करवा रही है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। गजट के अंदर ये रूल्स पब्लिश कर दिए जाते हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड। तो ऐसे गजट के अंदर जो पब्लिश होने वाले जो रूल हैं आपके, वो भी किस में आते हैं? सेक्शन नंबर 6 के अंतर्गत। येल्लो जी साहब, तो आपको पता चल चुका कि यहाँ पर क्या हो गया भाई, कि 6 के अंतर्गत आके कोई भी रूल होगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो सारे क्या होंगे आपके यहाँ पर पब्लिश कर दिए जाएंगे। जैसे रूल क्या हो गया, हवा पानी की गुणवत्ता, हवा पानी की गुणवत्ता जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता का पता चले उसके लिए कोई रूल्स आ जाएगा, ठीक है। प्रदूषण जो फैला हुआ एनवायरनमेंट के अंदर, इतने जो पॉल्यूटेंट या प्रदूषक फैले हुए हैं, उन सब पॉल्यूटेंट की जो न्यूनतम अमाउंट होनी चाहिए एनवायरनमेंट के अंतर्गत, ठीक है, वो अमाउंट भी कौन डिसाइड करेगा? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उसके लिए भी रूल्स कहाँ पे छापे जाएंगे? गजट के अंदर। जितनी भी पॉल्यूटेंट की अमाउंट चेंज हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो सब कहाँ पर पब्लिश किया जाएगा? गजट के अंतर्गत, ठीक है। तो ये पावर कहाँ से मिलेगी? सेक्शन 6 से मिलेगी, ठीक है, रूल्स, इस तरह के रूल्स बनाने की। जितने भी हैजार्डस सबस्टांस होते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव सबस्टांस होते हैं, तो इनकी भी इनको भी कंट्रोल करना होता है, इनकी हैंडलिंग को भी कंट्रोल करना होता है। तो उसके लिए भी जो रूल्स बनाए जाते हैं, वो रूल्स भी कहाँ पर छपने चाहिए? आपके गजट में पब्लिश होंगे। और कहाँ से, किसके अंतर्गत पब्लिश कर रहे हो आप? सेक्शन 6 के अंतर्गत। सही बात है, येल्लो जी, तो रूल पब्लिश्ड हो गए आपके सेक्शन नंबर 6 के अंतर्गत हो गए, ठीक है। तो ये कुछ है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामान्य अधिकार व शक्तियों में अगर हम बात करना चाहें तो थोड़ा सा समझ सकते हैं। पर्यावरण की जो गुणवत्ता है, पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसका मापदंड कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रदूषण नियंत्रण के जो मापदंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उद्योगों का नियंत्रण करने के लिए किस तरह से नियंत्रण किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। यहाँ पर एनवायरमेंटल लैब स्टेब्लिश करना है, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित सूचनाएं इकट्ठी करना है, ठीक है, वो सब चीज़ें कहाँ पर, किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ सामान्य अधिकार व शक्तियाँ हैं, ठीक है, जो हमको पता होना चाहिए। अब देखिए आपके सामने अब तक कितने सेक्शन आ गए? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। अभी देखिए, अब थोड़ा सा और समझिए, यहाँ तक तो ये सब गवर्नमेंट और अधिकारियों की बात कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर दी, यहाँ पर आपने अधिकारियों की बात कर दी, अधिकारियों को पावर दे दिया, अब यहाँ पर बात कर दी, फिर आपने रूल्स की बात कर दी। अब कुछ हम लोगों की भी तो जिम्मेदारियाँ होती है, उनको भी समझिए। अब जैसा कि क्या हुआ कि अगर अब बात करें अपन कि जैसे कि मान लीजिए, अब जैसे ये आपकी क्या हो गई, कोई प्रमाइस हो गई, ठीक है, अगर हम बात करें ये कोई प्रमाइस हो गई, ठीक है, इस प्रमाइस के अंदर मान लीजिए कुछ भी यहाँ से कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी पोल्यूशन वगैरह निकल रहा है, हम जितने भी जानते हैं ये कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट है, ये आपकी कोई भी एक इंडस्ट्रियल यूनिट है, इस इंडस्ट्रियल यूनिट में तो इसका कोई ना कोई ओनर तो होगा, इस इंडस्ट्रियल यूनिट का कोई ना कोई ओनर तो होगा, सही बात है। तो इस ओनर की या इस पर्टिकुलर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है कि जो यहाँ से पोल्यूटेंट निकल रहे हैं, इस चिमनी से मान लीजिए इनकी चिमनी, यहाँ से किसी भी तरह का वेस्टेज है, सॉलिड लिक्विड कैसा भी वेस्टेज है, तो यहाँ से जो इस प्रमाइस से जो भी पोल्यूटेंट निकल रहा है, तो वो पोल्यूटेंट की लिमिट भी तो डिसाइड होनी चाहिए ना, कि एक लिमिट से ज़्यादा पोल्यूटेंट हो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी कि इनसे इसकी जिम्मेदारी, इस ऑनर की जिम्मेदारी है कि पोल्यूटेंट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पोल्यूटेंट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी जिम्मेदारी हो गई, और इसकी जिम्मेदारी कहाँ से डिसाइड होगी? सेक्शन नंबर 7, ये लोग सब 7वें सेक्शन से डिसाइड हो जाएगी इसकी जिम्मेदारी। सही बात है। यहाँ पर दूसरा, ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर, कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर ये भी होता है जहाँ पर हैजार्डस सबस्टांस को यूटिलाइज किया जाता है,
तो हैजार्डस सबस्टांस को जब वहां पे यूटिलाइज किया जाता है तो उसको हैंडलिंग से रिलेटेड भी देखा जाता है कि अब ऐसे हैजार्डस सबस्टांस को जब आप यूटिलाइज कर रहे हो तो हैंडल विद सूटेबल इक्विपमेंट, ठीक है, अच्छे या उचित संसाधनों के साथ में ही ऐसे हैजार्डस सबस्टांस को आप क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे। ये भी बात कौन डिसाइड करेगा, कोई ना कोई एक्ट का कोई ना कोई हिस्सा डिसाइड करेगा, तो ये बात डिसाइड कौन करता है, सेक्शन 8, यानी आठवें नंबर का जो सेक्शन ये डिसाइड कर देगा आपका कि आपको क्या करना है भाई, हैजार्डस सबस्टांस को बहुत केयरफुली हैंडल करना है, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा आपका कि जो भी ऐसे इंडस्ट्रियल ईस्ट है यूनिट वाले लोग हैं जो औद्योगिक के जो ओनर वगैरह हुआ कोई भी हुआ, जरूरत पड़ेगी तो इनको इंफॉर्मेशन भी देनी है, फर्निशिंग राइट इंफॉर्मेशन, क्या करना है, सही इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इनको, इंफॉर्मेशन टू ऑथोरिटीज, ठीक, जो भी अधिकारी वगैरह हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियुक्त किए थे अधिकारी वगैरह, ऐसे अधिकारियों पर्सन या एजेंसीज को क्या करना पड़ेगा, इनको टाइम टू टाइम पर इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। एंड एजेंसीज इन सर्टेन केसेज, सर्टेन केसेज कैसे हो सकते हैं भाई, ये सर्टेन केसेज आपके, जैसे मान लो कोई दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना हो गई तो उस वक्त आप छिपा नहीं सकते उस दुर्घटना को, अगर ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर कोई भी दुर्घटना होती है तो आप छिपा नहीं सकते, उसकी रिपोर्ट करनी होगी जो भी संबंधित एजेंसी ऑथोरिटी पर्सन होता है उसको, तो ऐसी ऐसे तो इसके लिए बाध्य किया जाता है, किसको बाध्य किया जाता है, इंडस्ट्रियल यूनिट के ओनर को बाध्य किया जाता है। तो अब ये बाध्य करने की बात कहां से आएगी, सेक्शन नंबर 9, सही बात है, सेक्शन 9 यही कहता है आपका, ये बाध्य है भाई कि ऐसा करना पड़ेगा, दुर्घटना की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कोई भी केमिकल का रिसाव हो गया तो उस रिसाव को कंट्रोल करना है, साथ जो भी नुकसान है उसकी भरपाई किसको करनी है, इसको करनी है, ठीक है। तो ये बात सारी किसमें दी गई है, सेक्शन नंबर 9 के अंतर्गत दी गई है, सही बात है। दूसरा कि ऐसी जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट होती है, जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट होती है यहाँ पर जो ये संबंधित अधिकारी या ऑथोरिटी या पर्सन हो सकते हैं, ये कभी भी इसका आके क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ये पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, इनको रोक नहीं सकते, ये रात को भी कभी भी 24 घंटे में कभी भी आके प्रमाइसेस को चेक कर सकते हैं, तो इनको मना नहीं कर सकते, ये पावर हुई, ठीक है, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन टू प्रमाइसेज, जो भी पर्टिकुलर प्रमाइसेज होगी उसको कभी भी चेक कर सकते हैं। और इस तरह की पावर किसके अंतर्गत दी गई है, सेक्शन नंबर 10 के अंतर्गत इस तरह की पावर दी गई है। और यहां से क्या कर सकता है, जब वो एंटर करेगा प्रमाइसेस के अंतर्गत तो वो कहीं ना कहीं पे क्या कर सकता है, सैंपल भी ले सकता है, यहां से सैंपल क्या कर सकता है, पिक कर सकता है, पावर है उसको, पावर टू टैक्स सैंपल, ठीक है, पावर है किसके लिए भाई, टैक्स सैंपल, सैंपल लेने के लिए पावर है इस तरह की। और ये इस तरह की जो पावर है तो वो किसके अंतर्गत मिलेगी, सेक्शन 11, येलो साहब, सैंपल उठा लिया तो सैंपल कहाँ भेजोगे भाई, सैंपल उठा के कहाँ पे भेजोगे, लेबोरेटरी में, येलो साहब, सैंपल उठा के लेबोरेटरी में भेज दिया तो सेक्शन नंबर कितना हो गया, 12, येलो साहब, सेक्शन 12 के अंतर्गत आ गया भाई, येलो साहब, सही है भाई, भाई सैंपल उठाए तो जांच भी होगी सैंपल की, तो किस में होगी, सेक्शन नंबर 12 में होगी। जांच का प्रोसीजर क्या होता है, एनालिसिस करना, और ये एनालिसिस करने का काम कौन करेगा आपका, गवर्नमेंट एनालिस्ट करेगा, इसको जांच करने का काम कौन करेगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट करेगा, किसके अंतर्गत है भाई, सेक्शन नंबर 13 के अंतर्गत, येलो साहब, तो सेक्शन 13 के अंदर गवर्नमेंट एनालिस्ट इसको एनालिसिस कर देगा, इसके बाद में क्या होगी, इसकी रिपोर्ट जारी होगी, सही बात है, इसके बाद क्या जारी होगी, इसकी रिपोर्ट जारी होगी, वो रिपोर्ट जारी होने का काम कौन से सेक्शन में हुआ, 14 में, येलो साहब, सेक्शन 14 में रिपोर्ट जारी हो गई। अब रिपोर्ट के अंदर या तो क्या होगा, सैंपल फेल होगा, फेल होगा सैंपल, फेल होगा तो कोई ना कोई जुर्माना या सजा, ठीक है, जुर्माना या सजा कब भाई, जब मान लीजिए सैंपल फेल हुआ, जनरली देखा जाए तो 5 साल की सजा, 1,00,000 रुपए जुर्माना, ठीक है, या दोनों, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, किस तरह का क्राइम हुआ है, किस तरह की गलती हुई है, उसी हिसाब से रहता है यहाँ पर, ठीक है, जो भी सैंपल फेल हुआ उसके हिसाब से रहती है जो भी है, ठीक है, बार बार अगर गलती करते हो, बार बार अगर सैंपल फेल होते हैं आपके, तो वहाँ पर क्या है, फिर आपके 7 साल तक की भी सजा का प्रावधान है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना, जुर्माना और सजा की बात कहाँ पर की गई है, सेक्शन नंबर 15 के अंतर्गत, येल्लो जी, जुर्माना है, सजा की बात होगी, ठीक है। अब ऐसी जो गलतियां हैं ऐसे जो दोष हैं, ऑफेंस है, इस तरह के ऑफेंस किसके द्वारा हो सकते हैं, किसी कंपनी के थ्रू हो सकते हैं और किसी गवर्नमेंट के थ्रू हो सकते हैं, येल्लो सर,
ऑफेंस बाय गवर्नमेंट, ये लो साहब, इसकी बात कर दी सेक्शन 16 में, इसकी बात कर दी ऑफेंस बाय गवर्नमेंट, तो किसके अंतर्गत, सेक्शन नंबर 17 के अंतर्गत, सही बात है। तो देखिए एक सीक्वेंस बनती जा रही है, एक सीक्वेंस बनती जा रही थी, हमने पहले यहाँ तक किसकी बात कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटी की बात कर रहे थे 6 तक, फिर उसके बाद में हमने जिम्मेदार किसको बनाया, इंडस्ट्रियलिस्ट को जिम्मेदार बनाया, और वहाँ पर भी 3 जिम्मेदारियाँ देखे, 7, 8, 9 के अंतर्गत बात खत्म कर दी। उसके बाद में सैंपल उठाना, उठा के लैब में भेजना, उसका एनालिसिस करना, रिपोर्ट तैयार करना, और उस रिपोर्ट के भी आप पर जब भी कोई सैंपल अगर फेल होता है तो उस रिपोर्ट के भी पर जुर्माने या सजा डिसाइड करना। दोष किससे हो सकते हैं, किसी कंपनी के भी हो सकते हैं और किसी गवर्नमेंट एजेंसी या संस्था के भी हो सकते हैं, ठीक है। 16 के अंदर कंपनी और 17 के अंदर आपका गवर्नमेंट है, अगर कोई भी दोष होता है, सही बात है, येलो जी। अब इसके बाद बात करते हैं अपन, जैसे कि ऑफ 17 तक हम पहुंच गए सेक्शन के अंतर्गत, अब देखिए प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो आपका जो सेक्शन 18 है, इस सेक्शन 18 के अंतर्गत क्या दे रखा है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन, कि कोई भी एक्शन लिया जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी रहेगा, कि मान लीजिए अच्छे कार्य के लिए अगर कोई एक्शन लेना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम रहेगा, टेकन इन गेट गुड फेथ, ठीक है। तो वो कहाँ से पावर मिली आपको, सेक्शन नंबर 18 के अंतर्गत मिली, येल्लो जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा सेक्शन नंबर 19 है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग तरह का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी अथॉरिटी होती है, एजेंसी या पर्सन होता है, वो अगर 60 दिन तक अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है, कोई भी नोटिस जारी नहीं करता है, तो कोर्ट उसके बीच में कोई भी दखलदाजी नहीं कर सकता है, तो आपको ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 20, सेक्शन 20 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, किसी अथॉरिटी से ले सकती है, किसी एजेंसी से ले सकती है, या किसी पर्सन से ले सकती है, कोई भी जानकारी हो, इवन यहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट से भी किसी भी तरह की पर्यावरण से संबंधित जानकारी ले सकता है, सेक्शन नंबर 20 के अंतर्गत ली जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। जो भी आपकी अथॉरिटीज है, जो भी ये अथॉरिटी पर्सन या ऑफिसर को जो इस इन्होंने नियुक्ति दी थी, ऐसे अधिकारियों को जो नियुक्ति दी थी, उन अधिकारियों को भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, उन अधिकारियों को भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, ये भी किसके अंदर डिसाइड होता है, सेक्शन नंबर 21 के अंतर्गत डिसाइड होता है कि भाई कि आपका जो भी अथॉरिटी होता है वो आपका पब्लिक सर्वेंट यानी पब्लिक के लिए सर्वेंट के रूप में वो काम करेगा। सेक्शन नंबर 22 की बात करें, ये थोड़ा अलग सा है, सूट साइट नहीं होगा इसके केस में, इसका मतलब है बार्स ऑफ ज्यूरिसडिकेशंस, ठीक है, ये थोड़ी लोकी लैंग्वेज है तो इसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एनजीटी की बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए किसी भी एजेंसी को शक्तियां दे सकते हैं, किसी भी एजेंसी को शक्ति दी जा सकती है, किसी भी एजेंसीज को शक्ति दी जा सकती है, येल्लो जी। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है भाई कि वो किसी भी एजेंसी को शक्ति दे दे भाई पर्यावरण को संरक्षित करने की, तो इसका एग्जांपल है एनजीटी। एनजीटी के बारे में भी आपका जो एनजीटी के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण या जो एनजीटी की बात होती है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या करता है, जो भी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी कैसेज या मामले होते हैं, जो भी पर्यावरण से रिलेटेड जो कैसेज या मामले होते हैं उनको निपटाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है, जो पर्यावरण से रिलेटेड मामलों को फटाफट निपटाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में जो सेक्शन नंबर 24 है, इसके अंदर इफेक्ट ऑफ अदर लॉज आ गए, ठीक है, जिसमें हमको कोई उलझने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही क्या बोला था कि आपका अम्ब्रेला एक्ट है, ये कैसा एक्ट है, अम्ब्रेला एक्ट है, तो दूसरे नियमों की भी यहाँ पर बात की जाती है। सेक्शन नंबर अगर 25 की बात करें हम, पावर टू मेक लॉ, यानी कि क्या है भाई कि आप कोई भी यहाँ पर सेक्शन नंबर 25 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है भाई,
पावर है कोई भी नियम बनाने की कि यहाँ पर कोई भी जरूरत पड़ती है उस जरूरत के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ को कभी भी बना सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो भी लॉ बनेगा उसको कहाँ पर पास करवाना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर, संसद में। यानी वो संसद में अगर पास होगा लॉ तो ही वो लॉ क्या होगा, आगे एक्ट के अंदर शामिल किया जाएगा, अदरवाइज उसको आप एक्ट के अंदर शामिल नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके सामने ये जो 26 सेक्शन दे रखे हैं वो एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू के लिहाज से भी, जब आगे आप इंटरव्यू वगैरह दोगे तो उसके लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये आपको हल्के से सेक्शन के बारे में जानकारियाँ होना जरूरी है, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा आसान करने का एक तरीका ढूंढ लिया, जिसके अंदर हमने शुरुआती 6 के अंदर तो हमने कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्ति है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को बनाने की, इनके लिए नियम लागू कराने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति देगा। 4 के अंतर्गत 5 मेन ऑफिसर्स की शक्ति है, दिशा निर्देश हो गए। 6 के अंतर्गत कोई भी रूल्स होता है एनवायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड, वो किसके अंतर्गत आया, सेक्शन 6 में आ गया। 7 के अंतर्गत फिर हमने इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको इंक्लूड कर लिया कि भाई पॉल्यूटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हैजार्डस सबस्टांस को आप वेल इक्विपमेंट के साथ में हैंडल करोगे, और जो भी कोई दुर्घटना होती है उसकी जानकारी दोगे। सेक्शन नंबर 9 के अंतर्गत दुर्घटना की जिम्मेदारी इनकी है, भुगतान इनको करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 9 के अंतर्गत इस प्रमाइसेस के अंदर कोई भी अथॉरिटी पर्सन या ऑफिसर को अंदर घुसने की परमिशन होती है, जांच करने की परमिशन होती है, पावर होती है, तो ये सेक्शन नंबर 10 में सैंपल उठाएगा, 11 में लैब में भेजेगा, 12 के अंदर एनालिसिस गवर्नमेंट एनालिस्ट करेगा, सेक्शन नंबर 13 के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि लेबोरेटरी स्टेब्लिश किसके अंतर्गत होती है, सेक्शन नंबर 12 में गवर्नमेंट एनालिसिस की नियुक्ति या गवर्नमेंट एनालिसिस करेगा, सेक्शन 13 में। 14 में क्या हो जाएगी, रिपोर्ट जनरेट होगी। 15 के अंदर क्या होगा, आपकी जुर्माना या सजा डिसाइड होगी अगर सैंपल फेल होता है। 16 में कोई गवर्नमेंट से ऑफेंस हो सकता है, 16 में कंपनी से ऑफेंस हो सकता है, 17 में गवर्नमेंट से ऑफेंस हो सकता है। 18 के अंदर आपका पावर प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, गुड फेथ में कोई भी एक्शन लिया जाता है अथॉरिटी के द्वारा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ऑफेंस की ऑफेंस हुआ उसका कॉग्निजेंस होता है, ये एक अलग टर्मिनोलॉजी है। 20 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन ले सकती है अथॉरिटी एजेंसी पर्सन या स्टेट गवर्नमेंट से कभी भी, जो भी अथॉरिटी होती है वो पब्लिक सर्वेंट के रूप में मानी जाएगी, जो भी पर्सन है पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। 22 में बार्स ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन है, ये दोनों आप में अलग टर्मिनोलॉजी है, इनमें उलझना नहीं है। 23 में इंपॉर्टेंट है, किसी भी एजेंसी को शक्ति दी जा सकती है, जैसे आपका एनजीटी के बारे में अलग से पूरा एक टॉपिक है जिसको हम अलग से आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। कोई भी अन्य लोग को इफेक्टिव लाया जाता है। 24 में कोई भी लॉ बनाने की पावर 25 में होती है, और पार्लियामेंट में लॉ को क्या किया जाएगा, वहीं पर पास किया जाएगा, वहीं से आपके लॉ डिसाइड किए जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देखा है 1986, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।